electrical superstorm. Popping up all over the world. I'll put this as simply as I can. Everybody on Earth is dead in a year. हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आज मैं सबसे अलग साईफाई मूवी द कोर एक्सप्लेन करूंगा जो मुझे बनाने में बहुत मजा आया क्योंकि ये मेरे और एक्सप्लेनेशन की तरह मुझे स्कूल की पढ़ाई की याद दिलाती है और ऐसे टॉपिक्स मुझे बहुत पसंद है और मेरा गारंटी है कि आपको भी पसंद आएगी। पर एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं क्षितिज तांडेल को मूवी फैन बनकर मुझे सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है मेरे एक्सप्लेनेशन को और भी बेहतर करने के लिए। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मूवी के कहानी से। मूवी की शुरुआत किसी एंटरप्रेन्योर से होती है जो अपने जिंदगी का सबसे बड़ा बिजनेस डील करने पड़ता है पर शुरुआत करने से पहले ही वो बिना वार्निंग के वही ढेर हो जाता है। बाद में समझ आता है कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि एक एक करके कई लोग ढेर होने लगते हैं जिससे सभी तरफ अफरा तफरी मच जाती है और फिर मूवी सीधे जियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर जॉश की तरफ मुड़ जाती है जो स्टूडेंट को सिखा रहे होते कि कैसे साउंड वेव्स जब ठोस पत्थर से गुजरता है तो उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में बदलाव आता है जिसकी मदद से हम धरती के बनावट को समझ सके। पर फिर तभी कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बिना एक्सप्लेनेशन के उसे और उसके दोस्त डॉक्टर सर्ज जिन्हें न्यूक्लियर वेपन्स में महारत होती है किसी टॉप सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं। अब किसी गोदाम में इतने लाशें देखने के बाद और आर्मी जनरल से पता चलने पर कि इन सभी की मौत सेम समय और अचानक में ही हुई वो उनकी मदद चाहते हैं पता करने के लिए कि कहीं ये वेपन अटैक तो नहीं। जॉश एन एक्सपर्ट इन जियोलॉजिस्ट वो तुरंत फिगर आउट कर लेता है कि सभी की मौत पावरफुल मैग्नेटिक पल्स के कारण हुई क्योंकि इन सभी के शरीर में पेसमेकर ट्रांसप्लांटेड है पर इसके पीछे कोई वेपन्स नहीं हो सकता क्योंकि इतना पावरफुल ईएम जनरेट करने के लिए इंसान के पास उतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी मौजूद ही नहीं है। जनरल को बस इतना ही जानना था इसलिए उन्हें डिसमिस कर देते हैं पर जॉश उन्हें इसके तह तक पहुंचने का सुझाव देते हैं पर जनरल सुनने को तैयार नहीं होते। आखिर क्यों ये हमें क्लाइमेक्स में समझेगा पर जॉश का परेशान होना सही था क्योंकि इस बार लाखों में बर्ड्स अटैक की घटना सभी देश में घटने लगती है। जॉश इस घटना को पिछले घटना से लिंक करने में सफल हो जाता है क्योंकि बर्ड्स माइग्रेट करने के लिए धरती के मैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग करते हैं। इसे साधारण शब्द में समझाओ तो बर्ड्स के ब्रेन में हल्का आयन का मात्रा होता है जिसकी मदद से वो धरती के मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन कर पाते हैं ठीक जैसे अपने फोन में कंपास काम करता है। ये सेम घटना स्पेस शटल एंडेवर के साथ भी घटता है जब वो री एंट्री के लिए धरती की तरफ बढ़ रहा होता है जिसके कारण अब शटल सिटी में सीधा क्रैश करने वाला होता है पर होनहार बैक किसी तरह रिवर पर इमरजेंसी लैंडिंग करके सभी को भयंकर दुर्घटना से बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ जॉश सारे रीसेंट अजीब घटना जैसे बर्ड्स माइग्रेशन और किसी भी प्लेन क्रैश की घटना स्टडी करने के बाद जब वो धरती के ईएम फील्ड्स को 3D मॉडल में प्रिंट करके एनालाइज करता है तब इंसान के इतिहास में सबसे भयानक सपना उसके आंखों के सामने घटते नजर आता है। वो तुरंत फेमस डॉक्टर कॉनराड ज़िम्स्की से अपनी फाइंडिंग शेयर करता है जिसे समझने के बाद वो जॉश के जाने के बाद कोई टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लॉकर से निकालते हैं। वहीं अब रात को कलरफुल फ्लेयर्स नजर आने लगते हैं सभी इस बात से बेखबर कि ये आने वाली आपदा का साइंस है। इस तरफ जिम्स की समस्या के गंभीरता को समझने के लिए तुरंत हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ टॉप सीक्रेट मीटिंग सेटअप करता है जिसे जॉश लीड करता है सिंस ये उसकी फाइंडिंग्स थी। जॉश उन्हें एक शॉकिंग जानकारी देता है कि धरती का ओजोन लेयर कॉल्ड ईएम जो धरती को सूरज के भभकते किरणें कॉल्ड कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है वो नष्ट हो रहा है। वो इसके पीछे का कारण समझाता है कि धरती का इनर कोर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस टन्स ऑफ आयन सराउंडेड बाय आउटर कोर लिक्विड जो कॉन्स्टेंटली एक डायरेक्शन में घूमता रहता है यही वो स्पिनिंग लिक्विड आउटर कोर है जिसकी मदद से धरती का ईएम जनरेट होता है पर अब ये लिक्विड घूमना बंद हो गया है। इसके कारण कुछ महीने के अंदर पहले तो आसमान से प्लेन गिरने लगेंगे फिर सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक्सप्लोड होने लगेंगे और फिर देखते ही देखते शहर मूसलाधार तूफान के चपेट में आ जाएगा और अंत में धरती कुछ इस तरह भस्म हो जाएगा। पर ऐसा क्यों हो रहा है कोई सुराग नहीं है वहीं इसे फिक्स करना नामुमकिन है क्योंकि इंसान अब तक धरती के सिर्फ 11 किलोमीटर तक पहुंच चुका है वहीं वो कोर मंगल ग्रह के बराबर 3000 किलोमीटर नीचे और 1500 किलोमीटर थिकनेस के नीचे दबा है जिसका तापमान 5000 सेल्सियस से भी अधिक है। जाहिर तौर पर ये जानने के बाद सभी के पसीने छूटने लगते हैं पर तभी ज़िम्स्की को अपने पुराने दोस्त और साइंटिस्ट ब्रैस की याद आती है जिनके पास उनके समस्या का हल हो सकता है। उनसे मिलने पर उन्हें
उन्हें फाइनली एक खुशखबर मिलती है कि वो एक ऐसा डिवाइस बनाने में सफल रहा जो हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव्स के मदद से किसी भी वस्तु को धूल में बदल सकता है, जो कि सेम टेक्नोलॉजी है जो मेडिकल ऑपरेशंस में किडनी स्टोन्स को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। उसने यूरोटेनियम नाम का ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट भी डिस्कवर किया है जो किसी भी तरह के प्रेशर और हीट को झेल सकता है। इस एलिमेंट की खास बात यह है कि जितना ज्यादा प्रेशर और हीट इस पर पड़ेगा ये उतना ही ज्यादा मजबूत बनेगा। इस एलिमेंट से शिप बनाना परफेक्ट होगा धरती के ट्रोमेंडस प्रेशर और कोर के हीट को झेलने के लिए। अब इससे बेहतर चारा और नहीं है और उनके पास समय की भी कमी है, इसलिए गवर्नमेंट उसे हर तरह की फाइनेंस रिसोर्सेज और मैन पावर प्रोवाइड करते हैं प्रोटोटाइप को एक्चुअल शिप में बदलने के लिए। और फिर देखते ही देखते ये लोकेशन एक टॉप सीक्रेट मिशन बन जाता है जहाँ एस्ट्रोनॉट्स बैक और कमांडर आइवसन के साथ एक रिनाउंड हैकर फिंच को भी हायर करते हैं, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट नहीं चाहता कि एपोकलिप्स की खबर किसी को भी पता चले। इसलिए फिंच का काम इंटरनेट पर मौजूद इससे रिलेटेड कोई भी पोस्ट को डिटेक्ट करके डिलीट करने का है। अब कुछ दिन के कड़ी मेहनत के बाद ब्रैज एक पावरफुल शिप कॉल्ड वर्जिल तैयार करने में सफल हो जाते हैं, जिसमें धरती के सेंटर में पहुंचने की क्षमता है जो न्यूक्लियर पावर्ड उसके फ्रंट में वही अल्ट्रासोनिक डिवाइस माउंट किया जाता है जिसकी मदद से वर्जिल धरती को फाड़ते हुए आगे बढ़ेगा। और जॉर्ज सोनार डिवाइस डेवलप करता है जो उन्हें रॉक्स के थ्रू नेविगेट करने में मदद करेगा, ठीक जैसे हॉस्पिटल में कैट स्कैन काम करता है, क्योंकि वे रॉक के थ्रू नहीं देख सकते। पूरा शिप 6 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है क्योंकि अगर किसी शिप के हिस्से में कुछ गड़बड़ घटा तो उसे इजेक्ट किया जा सकता है। प्लान के मुताबिक वर्जिल हजारों मेगाटन न्यूक्लियर वॉरहेड कोर में ड्रॉप करेगा जिसके एक्सप्लोड होते ही होपफुली कोर रोटेट करने लगेगा। ये कुछ CPR टेक्निक की तरह है जहां धरती को एक पेशेंट की तरह जोर का झटका दिया जाएगा होश में लाने के लिए। पर उसी दौरान जिम्सकी और जनरल प्राइवेटली किसी टॉप सीक्रेट डेस्टिनी प्रोजेक्ट पर बहस करने लगते हैं। इससे पहले कि ऑडियंस को कुछ समझे उन्हें एक और झटका लगता है क्योंकि धरती का विनाश होना रूप लेने लगता है। कुछ देश भयंकर बिजली के प्रकोप में नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वो अब ट्रेनिंग और टेस्टिंग में और समय नहीं लगा सकते हैं और तुरंत मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। अब वर्जिल शिप के डाइव करते ही उन्हें एक अद्भुत अनुभव होता है जहाँ कई वेल्स उनके इर्द गिर्द सिंग करने लगते हैं क्योंकि उनका सोनार उनके लिए एक म्यूजिक की तरह काम करता है। धरती के क्रस्ट में एंटर करने के लिए जिम्सकी ने धरती का सबसे गहरा मैरियाना ट्रेंच चूज किया क्योंकि यहाँ की परत सबसे पतली है, पर इसमें कैच ये है कि यहाँ सबसे ज्यादा भूकंप के झटके महसूस होते हैं, इसलिए सतह तक पहुँचते उनका शिप भूकंप के कारण जनरेटेड बवंडर में फंस जाता है। वहीं क्योंकि वजल यूरोप्टेनियम एलिमेंट से बना है उसे विशाल प्रेशर और हीट की जरूरत होती है मजबूती बनाए रखने के लिए, जो उसे समुन्दर के इमेंस प्रेशर से भी इनफ नहीं मिलता, इसलिए बवंडर के फोर्स में वो टूटने लगता है। पर एक्सपीरियंस आइवसन कैसे तो वजील को स्टीर करते हुए एन मौके पर लेजर्स को फायर करते ही धरती के क्रस्ट में घुस जाता है। क्रस्ट का लेयर पत्थर से बना 5 किलोमीटर लॉन्ग वजील शिप उसे चीरते हुए सोनार व्यू की मदद से आगे बढ़ता है। कुछ मिनट्स बाद वो धरती के मेंटल लेयर में एंटर कर जाते हैं जो लगभग 3 किलोमीटर थिक सेमी सॉलिड लेयर होता है। पर 12 घंटे के जर्नी के बाद उन्हें सोनार पर कुछ अजीब डार्क स्पॉट नजर आता है। जॉश रियलाइज करता है कि सोनार पर ब्लैक स्पॉट का मतलब यही है कि वो एरिया पूरा खोखला है और वर्जिल को डिजाइन नहीं किया गया है खोखले एरिया में ग्लाइड या फ्लाई करने के लिए। वर्जिल विशाल होने के कारण उन्हें इनफ समय भी नहीं मिलता उससे बचने के लिए, और देखते ही देखते वर्जिल शिप किसी अननोन जायंट क्रिस्टल की दुनिया में क्रैश हो जाता है। सभी बच तो जाते हैं पर एक जायंट क्रिस्टल उनके लेजर में जैम हो जाता है। अब उनके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय शिप के इम्पेलर हिस्से से निकलकर मुसीबत को हटाने का, और इम्पेलर एक भभकता हिस्सा है इसलिए मजबूरी में वर्जिल को अंदर से कूल रखने वाला थोड़ा नाइट्रोजन का प्रयोग करना पड़ता है इम्पेलर को पहले कूल करने के लिए। अब बाहर कदम रखने के बाद उन्हें समझ आता है कि वो कोबोल्ट से बने कुकून में है जिस पर ट्रोमेंडस प्रेशर पड़ने के कारण ये जियोड क्रिस्टल्स की दुनिया बनी जो धरती पर भी इमेंस प्रेशर के कारण वॉल्केनो के करीब पाए जाते हैं। पर उनके पास इस अद्भुत दुनिया को एक्सप्लोर करने का समय नहीं है क्योंकि जिस क्षेत्र से वो आए थे अब वहाँ से मोल्टन लावा घुसने लगता है और सारे क्रिस्टल्स कोलैप्स होने लगते हैं। वो कैसे तो क्रिस्टल्स को हटाने में सफल हो जाते हैं, पर एक क्रिस्टल आइवसन को जा लगती है जिससे वो सीधे खोलते लावा में गिर पड़ता है। उनके पास शौक मनाने का समय नहीं है इसलिए तुरंत इंजन फायर करके लावा के थ्रू आगे बढ़ते हैं। अब 2 दिन बीत जाते हैं और वो
आउटर कोर के करीब पहुंचने ही वाले होते हैं, इसलिए कुछ मेंबर्स आखिरी में रखे न्यूक्लियर डिवाइस को रेडी करने पड़ते हैं। पर तभी बैक का आमना सामना आइलैंड के साइज के डायमंड से होता है। वो कैसे तो वर्जिल को बचाते हुए निकल आती है, पर आखिर में एक विशाल डायमंड लास्ट के कंपार्टमेंट से टकरा जाता है, जिसके कारण सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है डैमेज कंपार्टमेंट को इजेक्ट करने के लिए, इससे पहले कि और नुकसान पहुंचे। दोनों भी तुरंत भागते हैं, पर सर्ज को रियलाइज होता है कि न्यूक्लियर कंट्रोल यूनिट पीछे छूट गया, जिसके बिना ये मिशन फेल हो जाएगा। इसलिए एन मौके पर जॉश को कंट्रोल यूनिट फेंक कर खुद को धरती के लिए सैक्रिफाइस कर देता है, जिससे उसका कंपार्टमेंट इजेक्ट होकर कोर के इमेंस प्रेशर में चपट कर नष्ट हो जाता है। सर्ज जॉश का करीब दोस्त था, इसलिए वो बुरी तरह से टूट जाता है, पर धरती के लिए उन्हें सब भूलकर आगे बढ़ना पड़ता है। और कुछ समय बाद वो फाइनली कोर के आउटर लेयर में एंटर करते हैं, जो 6000 सेल्सियस के तापमान पर पिघले हुए आयन और निकल एलिमेंट से खोल रहा होता है। पर अब वो एक सरप्राइजिंग डिस्कवरी करते हैं कि यहाँ का डेंसिटी उनके अनुमान से ज्यादा ही थिन है। इसका मतलब कि जितना एक्सप्लोसिव्स उन्होंने कैरी किया उसके एक्सप्लोजन से जनरेटेड शॉक वेव फेड हो जाएगा, जिससे पावरफुल वेवफॉर्म पैदा ही नहीं होंगे धरती के कोर को झटका देने के लिए। जिम्सकी सजेस्ट करता है कि उनका मिशन फेलियर रहा और उन्हें अब रिटर्न लौटकर प्लान बी एग्जीक्यूट करना चाहिए। ये सुनते ही बाकी सभी हैरान हो जाते हैं कि प्लान बी है क्या, और तब उन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और दोनों के बीच प्रोजेक्ट डेस्टिनी का सीक्रेट जनरल रिवील करते हैं। दरअसल यूएस मिलिट्री को भनक लगी थी कि उनके दुश्मन ने ऐसा वेपन तैयार किया जो कहीं भी भूकंप पैदा कर सकता है, इसीलिए काउंटर अटैक में उन्होंने जिम्सकी के लीडरशिप में और भी पावरफुल खुद का सेम वेपन तैयार किया, जो हाई पावर्ड ईएम एनर्जी वेव्स धरती के फॉल्ट लाइन में फायर करता है। अब हमें समझ आता है कि उस समय जनरल को सिर्फ इस बात की क्यों पड़ी थी कि कहीं ये दुश्मन का अटैक तो नहीं। जॉश भी अब फिगर आउट कर लेता है कि धरती का कोर अचानक से ही क्यों रुक गया, क्योंकि ये डेस्टिनी के टेस्टिंग के कारण ही हुआ। यूएस मिलिट्री खुद धरती के तबाही का जिम्मेदार है। जिम्सकी सजेस्ट करता है कि रिटर्न लौटने पर वो एक और बार डेस्टिनी को फायर कर सकते हैं कोर को किक स्टार्ट करने के लिए, जैसे कभी कभी मरीज को होश में लाने के लिए CPR का झटका दिया जाता है। पर जॉश इससे जरा भी सहमत नहीं होता, क्योंकि इससे धरती डिस्ट्रॉय हो सकती है और जगह जगह ज्वालामुखी फटने लगेंगे। वहीं उनके पास समय भी नहीं है रिटर्न लौटने का, उन्हें प्लान सी डिवाइस करना होगा, इससे पहले कि जनरल भी अग्री करे। अब ओजोन में छेद बनने लगता है और सूरज की तेज डायरेक्ट किरणें समुन्द्र को खौलाने लगती है। विशाल ब्रिज भी पिघल कर टूट जाता है। ये खबर मिलने पर जनरल और रुक कर रिस्क नहीं ले सकते हैं। वहीं सिंस जॉस और उसकी टीम रिटर्न लौटने से रही, वो फिर भी डेस्टिनी को फायर करने का ऑर्डर देते हैं, फिर चाहे उससे जनरेटेड पावरफुल शॉक वेव में उनकी जान क्यों ना चली जाए, क्योंकि उनके पास और कोई चारा भी नहीं है। अब उनके पास और भी लिमिटेड समय है, इसलिए जॉश सबसे पहले हैकर फिंच को सीक्रेटली कॉन्टेक्ट करके उसे जनरल को हॉल्ड करने की विनती करता है। और अब फिंच अपने हाथों के मैजिक पर लग जाता है। वो यूएस के सारे डेटाबेसेस को हैक करके प्रोजेक्ट डेस्टिनी के कंट्रोल सिस्टम की सर्च में लग जाता है। वहीं इस तरफ जॉश ब्रैस के साथ समस्या का हल पता करने में लग जाता है, पर अंत में जिम्सकी ही हल निकालता है कि एक बिग बैंग एक्सप्लोजन के बजाय वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को स्प्लिट करके उन्हें एक पैटर्न में एक्सप्लोड करके रिपल इफेक्ट पैदा कर सकते हैं, जिससे लार्ज वेवफॉर्म जनरेट होगा अर्थ को किक स्टार्ट करने के लिए। ये ठीक वैसा है जैसे एक समुद्र में एक विशाल लहर के बजाय छोटे छोटे लहर के टकराने पर और भी विशाल लहर बनता है, पर इसे अचीव करने के लिए उन्हें न्यूक्लियर वॉरहेड्स को पार्ट में बांटकर हर कंपार्टमेंट में रखकर सारे कंपार्टमेंट्स को वन बाय वन इजेक्ट करना होगा। पर मुसीबत ये है कि कंपार्टमेंट्स को मैनुअली इजेक्ट नहीं किया जा सकता, सिस्टम सिर्फ कोई इमरजेंसी ब्रीच होने पर ऑटोमेटिकली इजेक्ट करता है, इसीलिए इजेक्शन सिस्टम को मैनुअली ओवरराइड करना होगा, जो कि भभकते इंपेलर सेक्शन में मौजूद है, जो 9000 डिग्री सेल्सियस बर्निंग हॉट कोर के गर्मी से भभक रहा है और उनका सूट हाफ ऑफ द तापमान हैंडल कर सकता है। वहीं लास्ट टाइम नाइट्रोजन का यूज करने के बाद अब उनके पास इनफ नाइट्रोजन नहीं है इंपेलर को फिर से कूल करने का। कोई और रास्ता ना होने पर हिम्मत दिखाते हुए ब्रैस मिशन के लिए अपनी जान देने का तय करता है। हैवी हार्ट के साथ गुड बाय बिड करने के बाद ब्रैस तपते इंपेलर में एंटर करता है। गर्मी इतनी इंटेंस होती है कि उसका औजार भी कुछ ही सेकंड्स में मेल्ट हो जाता है, उसके जूते भी पिघलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेस्टिनी फायर होने ही वाला होता है और फिंच अपनी पूरी जान लगा देता है कंट्रोल पाने के लिए। आखिर में डेस्टिनी फायर होने ही वाली होती है कि फाइनली फिंच उसका कंट्रोल सिस्टम को हैक करके उनके पूरे पावर सप्लाई को कहीं और डाइवर्ट करने में सफल हो जाता है। यहाँ ब्रैस कैसे तो गर्मी से और सर्वाइव करके सिस्टम को ओवरराइड करने में सफल हो जाता है, पर अंत में ज्वालामुखी गर्मी में वो शहीद हो जाता है। वहीं इनके पास
खत्म मनाने का टाइम नहीं है, इसलिए न्यूक्लियर वॉरहेड्स को पार्ट्स में हर कंपार्टमेंट में माउंट करके इजेक्ट करने लगते हैं। पर आखिरी दो बचने पर जॉश को रियलाइज होता है कि उनके पास अब भी इनफ एक्सप्लोजिव नहीं है रिपेल इफेक्ट ट्रिगर करने के लिए। इससे पहले कि दोनों मिलकर कोई सोल्यूशन निकाले, एक मैसिव फ्लोर के कारण वर्जिल को एक बड़ा झटका लगता है जिससे जिम्स के न्यूक्लियर वॉरहेड में दब जाता है और उनका बैग के साथ कनेक्शन भी टूट जाता है। अब बैग कभी भी कंपार्टमेंट इजेक्ट करने वाली है और उनके पास समय नहीं है उसे रोकने का, इसलिए जिम्स की मैनकाइंड के खातिर वो उसे खुद को बचाने की विनती करता है। जॉश के पास भी और कोई चारा नहीं, इसलिए उसे उसकी बात माननी पड़ती है। पर मरते मरते भी जिम्स की एक ब्रिलियंट प्लान शेयर कर जाता है कि वो आखिरी एक्सप्लोजन के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वर्जिल के फ्यूल रॉड को यूज कर सकता है, पर इसका मतलब ये भी है कि वर्जिल अपनी पावर सप्लाई खो देगा। पर जॉश को वैसा ही करना पड़ता है और सही समय पर बर्निंग न्यूक्लियर फ्यूल रॉड को वॉरहेड के बगल में रखकर कंपार्टमेंट को इजेक्ट कर देता है और अब दोनों के पास रिटर्न लौटने के लिए पावर सप्लाई नहीं होता है, इसलिए बस अपने मरने का इंतजार कर रहे होते हैं। पर तभी जॉश को एक और ब्रिलियंट आइडिया सोचता है कि वर्जिल का कवच यूनोप्टेनियम से बना है जिसे एनर्जी हीट और प्रेशर से मिलता है, इसलिए वो वर्जिल के कवच को एस सोलर पैनल की तरह रिकन्फिगर करता है जिससे पूरे शिप को इनफ एनर्जी मिलेगी यहाँ से निकलने के लिए। अब जैसे ही सारे न्यूक्स एक एक करके पैटर्न में एक्सप्लोड होते हैं, उसके मैसिव एक्सप्लोजन से वर्जिल को सुपर बूस्ट मिलता है। वहीं सबसे बड़ी सफलता की पावरफुल रिपेल इफेक्ट के कारण धरती का कोर फिर से रोटेट करने लगता है जिससे ओजोन लेयर और सभी जगह धरती के हील होने के झटके भी महसूस होने लगते हैं। वहीं अब उनके शिप की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि वो कुछ ही मिनट्स में धरती को फाड़ते हुए निकलने वाले होते हैं। पर क्योंकि उनके शिप को पावर सप्लाई धरती के हीट और प्रेशर से मिल रहा था, समुद्र से बाहर निकलते ही शिप फिर से पावर खो बैठता है और उनका कनेक्शन कंट्रोल रूम से टूट जाता है और अब वो बस समुद्र के किसी गहरे सतह पर फंस जाते हैं। पर जॉश इतने आसानी से मरने वाला नहीं होता क्योंकि कुछ घंटे बाद रेस्क्यू टीम को कई व्हेल सिंगिंग और एक जगह मंडराते नजर आते हैं। वो इसलिए क्योंकि जॉश ने बैकअप पावर से सोनार का प्रयोग किया जिससे पिछली बार की तरह फिर से व्हेल्स शिप के इर्द गिर्द सिंग करने लगे और रेस्क्यू टीम को समझ आ गया कि वो शिप कहाँ लोकेटेड है जिससे दोनों भी बच जाते हैं। अब मूवी के आखिर में फिंच वही टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लिए किसी अननोन कैफे को हैक करके पूरे वर्ल्ड में प्रोजेक्ट डेस्टिनी का खुलासा कर देता है जिससे US मिलिट्री पर उंगलियां उठने लगती है और अंत में उन्हें प्रोजेक्ट डेस्टिनी बंद करना पड़ता है। फिंच उन सारे साइलेंट हीरोज के बारे में भी दुनिया को करता है ताकि उनका धरती के लिए बलिदान खाली ना जाए। और आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले दोस्तों प्लीज अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सच में पसंद आ जाए और आपको सच में मेरी मेहनत काबिले तारीफ लगती है तो आप इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या अपलोड पर क्लिक करके गूगल या भीम UPI से पे करके भी सपोर्ट दिखा सकते हो। और वीडियो एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक और कमेंट या चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूले ताकि मेरा चैनल बना रहे और मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियो पोस्ट कर सकूं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।